आज अपने पूरे समस्त देशवासियों को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर निवासी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो कोरोना महामारी हमारे भारतवर्ष में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त जोरों पे है, इसका जल्दी से जल्दी हमारे डॉक्टर लोग भी हमारी सरकार भी सब लोग पूरा जोर शोर से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम भगवान से भी जो परम परमेश्वर प्रार्थना है उससे भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी इस संकट से हमारे हिंदुस्तान के सारे भारतवासियों को निकाले। और जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये मैं कहूँगा कि आज जो स्थिति हमारे जम्मू कश्मीर की है वे बहुत ख़राब बनी हुई है। आतंकवाद बड़े ज़ोरों पे है, हमारे बहुत से जो फौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, बल्कि आतंकवादियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो हम माहौल चाहते थे जम्मू कश्मीर में शांति वो नहीं बन पाई है। लोग बड़े दुखी हैं, बारिश हो नहीं रही, जिम्मेदारों को कुछ सुनाई नहीं कर रहा, पानी मिल नहीं रहा, ट्यूबवेल सारे खराब पड़े हैं, डिफंक्ट पड़े हैं, तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपनी तरफ से जोर शोर से दरख्वास्त भी करूँगा और अनुरोध भी करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जिम्मेदार तबका है जो कि अनाज पैदा करता है जिस पर सारा हिंदुस्तान निर्भर है, इनकी सुध लें और बारिश भी ना होने की वजह से इतना खर्चा करके लोग फसल उगा रहे हैं और सब सूखा पड़ा है, ये व्यवस्था करें कि सारे ट्यूबवेल जहाँ डिफेक्ट हैं वो चलाएं, जहाँ नई ट्यूबवेल है वहाँ सेटल कराएं और ट्यूबवेल लगवाएं और नहर का पानी भेजें ताकि लोगों का ये बेचारे गरीब लोग हैं इनका कारोबार सही हो सके। मुझे क्यों कहनी पड़ी, क्योंकि ये 370 दफ़ा की बात करते थे कि 370 दफ़ा टूटेगी तो बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, अभी तक बिल्कुल किसी किस्म का कोई हालात नहीं बदला है, बल्कि 370 टूटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हुए हैं। तो ऐसा जो दावा करना कि हम ये करके 370 तोड़ने से लोगों को अच्छी राहत दे सकते हैं, मेरे ख्याल में उसके बाद ना कोई किसी को कोई जॉब मिल रही है।